नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभन सिंह, मैं आपको दिखाता हूँ मूंगफली की बुवाई मशीन के द्वारा कैसे की जाती है। ये देखो हमारी बुवाई हो रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मशीन से बुवाई से जो फ़ायदा है वो ये है कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि बीज की जो दूरी है वो मूंगफली में होनी चाहिए। जैसे चार अंकुर, जैसे एक बीज ये डला, एक बीज ये डला है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये डला होगा, देखो ये डला है इस तरीके से, ये डला, ये चार, क्योंकि मूंगफली जितनी नज़दीक पकड़ेगी यानी चार अंकुर की दूरी होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि दाने अच्छे पड़ते हैं, जैसे दो दाने की तीन दाने की मूंगफली होती है तो अच्छा दाना पड़ता है। इसीलिए हम इसको मशीन से बुवाई करा रहे हैं, क्योंकि इससे घनी मूंगफली हुई जाती है और जब घनी बुवाई होगी तो इसमें जो जर्नेशन है वो अच्छा आएगा और दाना अच्छा पड़ेगा। अब इसमें जो मैंने डाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। मैंने इसमें 1.5 एकड़ हमारा खेत है, तो इसमें मैंने 10 किलो माइको राजा डाला है, और इसमें मैंने 4 पैकेट 200 ग्राम के 800 ग्राम मैंने इसमें PSP कल्चर डाला है, और उसके बाद इसमें मैंने लगभग 7-8 किलो फिप्रोनिल डाली है और 4 किलो इसमें क्लोरोपाइफास डाली है। ये आप सब नोट कर लें कि एक बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने 10 किलो माइको राजा, 800 ग्राम PSP कल्चर और इसमें मैंने 100 किलो NPK। अगर आपके पास 12-32-16 मिल जाए तो आप उसको डाल सकते हैं, 15-15 मिल जाए उसको डाल सकते हैं, 18-18 मिल जाए वो डाल सकते हैं, 20-20-0-13 मिल जाए वो डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 बोरी लगभग ये NPK की डाली है, तो ये हमारी पेट की खुराक थी। और इस तरीके से ये सारा सिस्टम मैंने आपको बताया है कि मूंगफली की बुवाई किस तरीके से की जाती है, और इसमें जब ये जर्नेशन आएगा आगे की जो प्रक्रिया होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें थी मूंगफली की बुवाई का जो है। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।